असल डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब माई नेम इज रयान मलिक एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिजिक्स क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 15 का टॉपिक इंडक्शन तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर चैप्टर नंबर फिफ्टीन अलेक्ट्रो मैगनेटिज्मिक फिफ्टीन पॉइंट फाइव अलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल हम टॉपिक के नेम को डिस्कस करते हैं दैट इज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन तो बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक और इलेक्ट्रो का मतलब है बेसिकली करंट और मैग्नेटिक बेसिकली यहां पर हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड को and, इंडक्शन इंडक्शन का मतलब होता है टू एड अप समथिंग सो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट का एड अप होना दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सो हम डिस्कस करते हैं कि पहले दो साइंटिस्ट थे जिनका नेम था हैंस क्रिस्टियन और एस्टेड एंड एम्पेयर तो इन्होंने ये कहा कि अगर हम किसी भी कंडक्टर में से करंट को पास करते हैं तो उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है फिर

उसके बाद जोसेफ हेनरी इसने इसकी बात को सेकंड किया कि इसने भी कहा कि कहीं पर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हो तो वो करंट इंड्यूस करता है बेसिकली जोसेफ हेनरी इसने बहुत पहले इसने ये एक्सपेरिमेंट कर लिया था कि आप चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से आप करंट इंड्यूस करवा सकते हैं लेकिन इसने ये चीज पब्लिश नहीं की थी माइकल फराडे इसने बाद में उसके एक्सपेरिमेंट को फर्दर विद एविडेंस के साथ उसने फर्दर इसको पब्लिश किया सो दैट्स व्हाई हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्लियर सो अब यहां पर मैंने आपसे ये कहा कि माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी इन दोनों ने ये कहा कि हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट इंड्यूस कर सकते हैं किस तरह से तो ये हम डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में फर्दर और यहां पर ये साइंटिस्ट के नेम बहुत इंपॉर्टेंट है।, है कि करंट जो है अगर हम में से पास करते हैं तो सराउंडिंग में क्या इंड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड ये किसने कहा था हैंड्स क्रिस्टन और एम्पेयर ने और सिमिलरली अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन है बेसिकली ये लॉ किसने पेश किया था दैट इज माइकल फेराडे क्लियर इस टॉपिक को समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एक मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है जैसा कि आपको पता है कि एक मैग्नेट उसके सराउंडिंग में उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा जो कि नजर नहीं आता लेकिन हम मैग्नेटिक फील्ड को नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ लाइंस के साथ ओके सो द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस एक मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो एक सरफेस से कितनी पास हो रही है दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड अगर तो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस से पास हो रही हैं तो हम कहेंगे वहां पर स्ट्रेंथ मैक्सिमम है और अगर बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं किसी भी सरफेस से पास हो रही हैं तो हम कहेंगे वहां पर बहुत मिनिमम स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की क्लियर सो so, हम कुछ केस डिस्कस करते हैं नाउ परपेंडिकुलर सर्फेस मीन कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है और आपने उसके सामने एक परपेंडिकुलर पे उसके एक सर्फेस आपने सामने प्लेस कर दिया है तो इस केस में क्या होगा अब आप यहां देख सकते हैं जो लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं ये लाइंस बेसिकली शो कर रही हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओके ये लाइंस क्या हैं सारी की सारी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जिसको बी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है अब ये लाइंस जब भी इसके सामने कोई परपेंडिकुलर पर कोई भी सरफेस होगा लाइक फॉर एग्जांपल के ये एक सरफेस है और यहाँ से ये लाइंस पास कर रही हैं तो अब क्या होगा कि ये सारी की सारी लाइंस इस सरफेस के अंदर से पास कर जाएंगी क्लियर तो यहां पर हम कहेंगे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम है कि जब भी आपकी सरफेस परपेंडिकुलर होगी तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो मैक्सिमम होगी So पेंडिकुलर like थी अब वो सर्फेस पैरल इस तरह से है और अब यहां से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास कर रहे हैं अब जब हम यहां से पास करेंगे तब तो इस सर्फेस के अंदर से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास नहीं करेगी क्लियर तो वो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो ऊपर से गुजर जाएंगी सो तो पैरल के केस में हम कह सकते हैं कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है यहां पर क्या होंगी मिनिमम होगी इसकी स्ट्रेंथ क्लियर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ मिनिमम होगी क्लियर तो यहां से हमने दो चीजें कंक्लूड कर ली कि अगर तो सरफेस पर पैरिकुलर होगी तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी और अगर सरफेस पैरल होगी तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मिनिमम होगी क्लियर सो फर्दर हम डिस्कस करते हैं नियर एंड फार अब जैसा कि यहां पर नीचे मैग्नेट प्लेस है और उससे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर को निकल रही हैं क्लियर सो सामने आपको ब्लू सर्कल में यहां पर एक नजर आ रहा है है बेसिकली ये सो अब आप देख सकते हैं कि ये इस मैग्नेट से बहुत दूर है तो जब कॉइल बहुत दूर होगा बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल में से पास करेंगी अब जैसे ही हम इस कॉइल को मूव करवा के नेयर ले आते हैं मैग्नेट के ओके okay? जब बिल्कुल पास लेकर आ जाएंगे मींस कि जब आप इसको इस जगह पर लेकर आ जाएंगे सो so इस जगह पर क्या होगा कि यहां पर फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस जो हैं, वो इसमें से पास होंगी सो दैट मींस कि यहां पर क्या हो रहा है आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि आप किसी भी ये किसी भी सर्फेस से पास कर रहे हैं उसमें चेंज आ रहा है क्लियर so, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज आएगा तब वहां पर ईएमएफ ईएमएफ इंड्यूस इंड्यूस हो जाएगा क्लियर और कहां पर होगा बेसिकली वो जो कॉल जो आप मूव कर रहे हैं उस कॉयल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा एंड व्हाट इज ईएमएफ एम दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्लियर सो दिस चेंजिंग मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू कॉइल produces emf ye changing magnetic field of lines jo ke ek coil mein se pass kar raha hai ye wahan par emf induce kar dega clear aur further agar hum ek circuit ko close kar le theek hai to ye induce emf jo hai wahan par current ko induce kar dega clear and this is the basic principle of electromagnetic induction clear so hum further इसको study करते हैं कुछ activities के साथ जिससे आपका concept बहुत ज्यादा clear हो जाएगा सो so, अब हम स्टेट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एंड इंड्यूस करंट इन अ सर्किट बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू इट इज इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो अगर आप नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स में चेंज लेकर आ रहे होंगे और जो कि पास हो रहा है किसी भी एरिया से किसी भी कॉयल से या किसी भी सोलर से तो वहां पर करंट इंड्यूस हो जाएगा सो दिस इज कॉल्ड द इंडक्शन भी कहा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स मीन की जितना ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में चेंज आएगा उतना ज्यादा वहां पर ई एम एफ इंड्यूस होगा क्लियर सो लास्ट में कुछ फैक्टर्स हम डिस्कस करते हैं is, EMF, जो हो रहा है, उसको कौन कौन से फैक्टर्स करते हैं मैग्नेट को दोनों को इकट्ठे मूव करवाएं तो इससे क्या होगा कि आपका जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है उसमें ज्यादा चेंज आएगा तो जितना ज्यादा चेंज आएगा वहां पर उतना ज्यादा ई इंड्यूस होगा एंड सिमिलरली नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉय कि आप उस कॉल के जो नंबर ऑफ टर्न आप उसको इंक्रीज कर दें बढ़ा दें अब जितने ज्यादा ज्यादा नंबर ऑफ होंगे उतना वहां पर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा सो इस तरह से ज्यादा इंड्यूस होगा क्लियर सो आई होप यहां पर आपको ये क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली करंट जो है वो किस तरह से इंड्यूस होता है क्लियर सो आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा टेक केयर अल्लाह हाफिज